हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैट्रिक्स एवं वेक्टर स्पेस ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? आ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे एम क्रॉस एन या एम डॉट एन को शो कर सकते हैं, यानी एम मल्टीप्लाई बाई एन नंबर्स। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अरेंज इन रेक्टेंगुलर एरे इन एम हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन यानी जो लेटिव लाइन होती है, जो कि इस तरह से ए वन वन ए वन टू डॉट डॉट ए वन एन, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है हमारे पास रो कहलाती है। एंड एन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो कि खड़ी हुई लाइन होती है, सपोज कि इस तरह से इसमें हम देखें तो ये लाइन है, ये लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है ये एन वर्टिकल लाइन, ये कॉलम कहलाते हैं। इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड टू बी रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स। एम बाई एन मैट्रिक्स भी पढ़ा जाता है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज, जो मैट्रिक्स है उसको इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे ए वन वन ए वन टू ए वन एन, ये जो है फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड एम एम थ्रू, इस तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब फ्रेंड्स अगर इसमें हम देखें, सपोज कि ए वन टू हम कह रहे हैं कि ए वन टू फ्रेंड्स ये रियल नंबर्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ए वन टू का मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट रो, यानी जो फर्स्ट जो पहला मेंबर है इसका वो शो करता है नंबर ऑफ रो, कौन सी रो है, और सेकेंड नंबर जो कहता है वो कॉलम। तो द सिंबल ए आई जे रिप्रेजेंट द एंट्री आई जे लाइज इन द आईथ रो फ्रॉम लेफ्ट, यानी इस तरफ से कौन सी रो है, एंड जेथ कॉलम फ्रॉम टॉप, एंड कौन से कॉलम में है। तो उस कंडीशन में हम ए आई जे को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं।